प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव मेजा क्षेत्र में फेंके जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस को मृतक की तलाशी से मिले आई कार्ड से पता चला कि वो करछना थाना क्षेत्र के देवरी कला का निवासी पवन कुमार भारतीय है। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। शव मिलते ही परिजन ने नामचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मिर्जापुर हाईवे पर शक रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसपी मेजा और एसटीएम करछना ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया और उसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने नामचित मामला दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ हो रही है। इनका परिवार गरीब परिवार है जो साथ साथ देश के अंतर्गत आता है, सारी आर्थिक सहायता इनको मिल जाएगी। पहले से सीओ साहब ने जो है हार्बेट पर जो है भरवा लिया है और जो समाज कल्याण विभाग से जो सहायता में है वो भी दी जाएगी और जो कृषि दुर्घटना बीमा में अगर ये इनके नाम से जमीन है तो कृषि सर ये आरोप है कि हत्या करके का शव फेंका गया था तो इसमें मुकदमा भी लिखा गया है। हाँ, मुकदमा लिखा गया है और उसके बाद जो है गिरफ्तारियाँ भी हुई। कल सुबह चौकठा लच्छन चौकठा गांव के पास में शव प्राप्त हुआ था जी। उसके परिजनों के द्वारा आज अंतिम संस्कार के वक्त ले जाते वक्त चक्का जाम करने का प्रयास किया गया था जिसमें सड़क के किनारे उन्होंने शव को रखा। इस पर मेरे द्वारा तत्काल पहुँच करके उनको समझाया बुझाया गया, उन्होंने हटा लिया है।